क्या खाएगी मेरे शनो सुबह सुबह? क्या खाएगी बताओ? आइसक्रीम नहीं खाते भाई? नहीं आइसक्रीम नहीं खाते, गंदे बच्चे खाते हैं। खाली पेट कौन खाता आइसक्रीम? नहीं चल मैं लाती हूँ, पकौड़े बना लो ना, पकौड़े खा लो, पकौड़े हैं। हाँ पहले आइसक्रीम खानी है तो फिर तो नहीं मिलेगी। सोना के लिए बना स्पेशल नाश्ता है सोना, हम सबने परोठे खाए और सोना क्या खा रही है? क्या खा रही है? पकौड़े। और ये देखो बाहर हो रही है बारिश, और आज बहुत तेज बारिश हुई है, और जैसे सोना उठी ना उसने देखा बाहर बारिश हो रही है, तो उठते बोलती है मम्मी पकौड़े पकौड़े बनाओ पकौड़े। पता नहीं उसे कहाँ से पता लगा है कि बारिश हो तो पकौड़े खाओ, तो उसके लिए मुझे बनाने पड़े स्पेशली पकौड़े।
नैनक पर कड़ी हिला लियो बेटा। ये देखो पूरी सब्जी मंडी लगी है मेरे घर में। चलें हैं? आओ फिर, मैं मोटर चला के आ रखी हूँ। ये ऊपर आ गई सारी की सारी, मैंने इन्हें ऊपर भेज दिया। मेरा कमरा पूरा गंदा कर रखा है इन्होंने। कैसे घुमा रहे हैं। और वो जो हम कहते हैं ना अंडे देगी, वो मर गई है, तबीयत खराब थी उस बेचारी की। इसका मतलब वो ऐसी फूल रही होगी तकलीफ की वजह से। अब ये पांच बच्ची हैं, एक फीमेल चली गई इनमें से। ये मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, ये सबसे बड़ा है। मैंने तरीके से ये वाला सबसे बड़ा है, तो सबसे कहना मानते हैं। और ये बीच वाला हमेशा ऐसे सोता है। और इसमें ना नई चिड़ियाएं भी आ गई हैं। पिंजरा छोटा हो गया, लेकिन ये चार नई चिड़िया और लेकर के आ गए। इनका पिंजरा बड़ा लाना पड़ेगा। तो अभी तुम्हें करके आई पूजा, और कड़ी छोक के, कड़ी छोक की नहीं, कड़ी उबलने के लिए रख के आई हूँ। जा कर के छोकूंगी, आज ऊपर का कमरा साफ करूँगी खरगोशों का ना। तो बस मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ, बहुत दिन हो गए। और मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत गंदा रखा होगा वो कमरा ना, बहुत ही गंदा, कैसे साफ करूँगी। इसलिए मैं पूजा करने के बाद ही सोचा कि ना पूजा करने के बाद ही जाऊँगी, नहीं तो फिर नहाना पड़ेगा ना आकर के। इसलिए तो फिर तो मैं ऐसे ना खाना बनाने के बाद नहा लूँगी, नहीं तो फिर पूजा को देर हो जाती है इसलिए। और मैंने आपको दिखाई सारी सारी सब्जी हो रखी है। कुछ कह रहे हैं क्या आप? ठीक है, मैं बोलती हूँ नैना से, नैना को बुलाना पड़ेगा क्योंकि पकड़ती वही है ना खरगोशों को। वो पकड़ेगी फिर उन्हें अंदर करेगी पिंजरे के अंदर, तो हम लोग सफाई करेंगे। आइए बुलाती हूँ। हाँ। नैना ऊपर आ, खरगोशों को अंदर कर पिंजरे में। आप पापा ने बोला जल्दी आ। मेरी चप्पल का, तूने तो रखी थी सुबह चप्पल जीने में, उठा ला अपनी चप्पल। अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पर, और ना नैना सोना में नकल कर रही है कि मम्मी ऐसे बोलेंगी। और अब सब दीवारों में से पानी आ रहा है, आज बहुत बारिश हुई है बहुत ज्यादा। और जो बिजलियां कड़की है ना वही, बाय गॉड कसम से, मैं तो कह रही हे भगवान क्या करके रहोगे, छत ये ली। तो मैं क्या करूँ, दे दिए तो दे दिए, इनका तो यही काम है। सच्ची में दे देंगे शीश? हम बड़े परेशान। देखो जी कड़ी में तो तड़का लगा दिया मैंने ना, लेकिन अब मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो ये मैंने करा है प्याज आलू और फूलगोभी थोड़ी सी, अब इसके पकोड़े बनाऊंगी। चलिए कढ़ी के लिए भी थोड़े से खाने के लिए बनाते हैं पकोड़े। तो जी अब मैं बनाऊंगी पकोड़े कढ़ी के लिए। तो जैसे कोफ्ते बनाते हैं उस तरीके से ही बनाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर डाला था 3 चम्मच बेसन, और फिर मुझे 1 चम्मच बेसन ना बाद में डालना पड़ा। अभी आप देखेंगे क्या करा था मैंने ना। बाकी मसाले डाले, थोड़ी सी हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला ये सब डाला। और अब देखना मैंने क्या करा, मैंने ये गलती कर दी, मुझे पानी नहीं डालना तो मैंने गलती से पानी डाल दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं मिक्स करके देखती हूँ। फिर जब मैंने मिक्स करा तो फिर मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है तो बेसन डालना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन और डाला। फिर जैसे कोफ्ते बनाते हैं उस तरीके से मैंने बनाए थे सारे के सारे पकौड़े ना। तो कुछ पकौड़े तो मैंने कढ़ी में डाल दिए थे, और बाकी मैंने इनके खाने के लिए रख दिए थे क्योंकि बच्चों को भी अच्छे लगते हैं पकोड़े खाने में। तो अच्छे बने थे खाने में, अच्छा टेस्ट था। हम ऐसे बना के भी खा सकते हैं कोफ्तों की तरह, सब्जी बना सकते थे वैसे तो ना, जैसे कोफ्ते बनाते थे।
कभी देखूंगी, ट्राई करूंगी गोभी के कोफ्ते ना कैसे बनते हैं। मैंने आज तक बनाए नहीं, तो बस अभी मैं नैना से बोल रही थी तो ज़रा ढक्कन वगैरह लगा दे टिब्बों का, और पानी साफ़ करवा के मंगाई थी मैंने इससे। फिर इसके बाद ये ऊपर चली गई, मैं इसको आवाज़ें लगाती रही पर ये थी नहीं इस वाले फ्लोर पे। फिर मैंने बीवी का खाना डाला, फिर मैं बीवी को खाना दे करके आई। तो बस अब सारे काम हो गया लगभग, अब तो सिर्फ हैप्पी के लिए मुझे रोटियां बनानी है, तो बस पकौड़े बन जाएंगे उसके बाद मैं हैप्पी के लिए रोटियां बनाऊंगी। और तो कोई रोटी खाएगा नहीं हमारे घर में आज ना, क्योंकि हम सब चावल ही खाएंगे कढ़ी के साथ। ऐसे ही होता है, अगर कढ़ी बच जाती है तब तो रोटी खाते हैं हम ना कढ़ी के साथ, नहीं तो कभी कभार ही होता है कि मैंने शाम को भी कढ़ी के साथ रोटियां बनाई हो। मोस्टली चावल ही बनाती हूँ, चाहे दिन में बनाऊँ चाहे रात को बनाऊँ, तो पहली बार में तो चावल ही बनते हैं कढ़ी के साथ, बाद में जिससे बच जाती है तो फिर हम रोटी बना के खा लेते हैं उसके साथ। और ये मैं हैप्पी के लिए रोटियां बना रही थी बिना पलौथन की। मैंने सोचा कि ना अगर मैं पलौथन लगाऊंगी तो मेरी गैस फिर से गंदी हो जाएगी और मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी साफ़ करने में, तो बस ऐसे हाथ से बना रही थी रोटियां घी लगा करके हाथ पे। और आटा पतला हो गया था काफ़ी ना, क्योंकि मैंने दोपहर को गूँथा था ये आटा ना, तो मैंने बोला ना आटा पतला हो जाता है रखा रखा ना, चाहे मैं कितना भी टाइट गूँथूँ ये थोड़ा पतला हो ही जाता है। तो बस अभी हैप्पी खाना खाएगा क्योंकि हैप्पी के भी खाने का टाइम हो गया है। तो बस जी वाले पोएम है ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, मेरी रोटी पर लागू नहीं हो रही, आज लागू नहीं हो रही, देख गोल नहीं है रोटी, पर इन रोटी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। पर अभी खाएगा हैप्पी, हम लोग तो चावल खाएंगे। अब खाएंगे खाना, और इस बीच मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए, कपड़े धोने थे कपड़े भी धो दिए मैंने, मशीन नहीं लगाई थी हाथ से धोए सारे कपड़े। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, अब कल मिलूँगी आपसे एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी जो भी मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो जी कल तक के लिए बाय बाय।